नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारे खास पेज पर कोरोना का डर कम, स्कूल चले हम। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के मामले सभी राज्यों में अब कम होने शुरू हो गए हैं और इसी के साथ अब राज्यों में स्कूल कॉलेजों को फिर से खोलने शुरू कर दिया गया है और कई राज्यों में 9 से 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। और इसी क्रम में आज यानी कि 16 अगस्त से उत्तर प्रदेश में भी 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूलों को फिर से पढ़ाई के लिए खोल दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से पहले ही शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और आगे अब हम आपको 9 तस्वीरें भी दिखाएंगे, अलग अलग जगहों से आती हुई 9 तस्वीरें आगे दिखाएंगे। और ऐसे में स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्त पालन भी करना होगा। तो देखिए ये तस्वीरें 9 आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। स्कूल खुल गए हैं, बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि करीब कई महीनों बाद आज एक बार फिर से यूपी में 9वीं से 12वीं के स्कूल खुल गए हैं। तो ऐसे में कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और साथ ही सभी जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्त पालन भी कराया जा रहा है। साथ ही कक्षाओं का संचालन 2 पालियों में इस बार किया जाएगा और बता दें पहली पाली सुबह 8 बजे से 12 बजे तक शुरू है और दूसरी पाली शुरू होगी 12:30 से शाम 4:30 बजे तक। यानी कि 2 पार्ट्स में बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। 2 पालियों में के आधे बच्चे सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आएंगे और बाकी के आधे बच्चे 12:30 बजे से दोपहर से शाम 4:30 बजे तक स्कूल में पढ़ाई करेंगे। और दोनों ही पालियों में 50% विद्यार्थियों की संख्या रहेगी। साथ ही छात्र अभिभावक की अनुमति के बाद ही पढ़ाई के लिए स्कूल आ सकेंगे। जी हाँ, ये सबसे अहम बात है क्योंकि ऐसे में किसी पर भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं बनाया गया है। सरकार की तरफ से पहले कह दिया गया था कि अगर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं उनकी परमिशन के बाद ही बच्चों को स्कूल आने की अनुमति होगी। और साथ ही तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। स्कूल में घुसने से पहले सैनिटाइजर उन्हें दिया जा रहा है और एक सीट छोड़कर एक सीट पर बच्चे को बैठाया जा रहा है ताकि संक्रमण ना फैले और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। वहीं माध्यमिक स्कूलों में आज से शुक्रवार तक की पढ़ाई होगी और लंच के दौरान छात्रों को अपनी कक्षा में ही लंच करना होगा। ये तमाम चीजें तमाम प्रोटोकॉल्स रखी गई है। वहीं सभी छात्रों को मास्क लगाकर ही आना अनिवार्य होगा, ये भी कहा गया है, ये प्रोटोकॉल्स के तहत है। और ऐसे में प्रदेश में कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे, यानी कि 15 दिन बाद से कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। और बता दें 6 कक्षा से 8वीं तक की कक्षाओं भी 2 पालियों में 50% क्षमता के साथ ही संचालित की जाएंगी। और अभी भी बता दें प्रदेश में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को खोलने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 महीने बाद आज से फिर छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खुल गए हैं। इसी दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स का भी पालन कराया जा रहा है। साथ ही तस्वीर आप देख सकते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखा जा रहा है और सभी छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है जब उनकी थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन उनका किया जा रहा है। चलिए लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूबी, आज से कई महीने बाद 4 महीने बाद स्कूल खुल चुके हैं, कैसा नजारा स्कूलों में दिखा? क्या बच्चे ज्यादा संख्या में आए या फिर नहीं अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा? बताना चाहूंगी आज जो भी बच्चे आए हैं उनके चेहरों पे मुस्कान जरूर देखने को मिली है क्योंकि काफी दिन के बाद इनको आज स्कूलों का रुख देखने को मिला। हालांकि तादाद जो थी बहुत कम थी, हम भी जिन जिन स्कूलों पे गए हैं वहां पर कुछ बच्चों की तादाद कम नजर आई है, लेकिन जो बच्चे थे वो बहुत खुश थे। हालांकि टीचर भी कुछ जगह पे खुश नजर आए थे क्योंकि कई महीने पहले तो कोरोना काल में स्कूल बंद हो चुके थे, अब प्रॉपर वे हम फिर से उसी रास्ते पे आ रहे हैं। शिक्षा का जो माध्यम था उसकी शुरुआत होनी शुरू हो चुकी है और जो बच्चे हैं वो भी अब धीमे धीमे या पेरेंट्स की इजाजत लेने के लिए जी रूबी, लेकिन क्या देखिए प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया है स्कूल में, क्योंकि ये सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी मानी जाती है क्योंकि लगातार देखिए 4 महीने से बच्चे स्कूल घरों पर ही अपनी पढ़ाई कर रहे थे, आज जब स्कूल बच्चे पहुंचे तो क्या वहां पर बच्चों ने कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया?
निश्चित तौर पर कुछ ऐसे स्कूल थे जहाँ से सैनिटाइजर दिया गया और उसके बाद उसकी एंट्री हुई, टेम्परेचर भी चेक किया गया और साथ ही साथ डिस्टेंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया जी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी थे, छोटे बच्चे हैं, तो उसके लिए ये खास के पेरेंट्स ने ये कहा भी गया टीचर से, बिल्कुल उन्होंने कहा था कि बच्चों को आपकी जिम्मेदारी पे हम लोग स्कूल भेज रहे हैं, तो आप इस चीज़ों को साथ ध्यान रखें कि डिस्टेंस का ध्यान रहे। तो इस हिसाब से स्कूल जो है, यहाँ के जो प्रिंसिपल है, उन्होंने खास तौर से निर्देश जो पहले से जारी कर दिए हैं कि जो भी बच्चे आएंगे वो लाइन जो लगेगी जब प्रेयर होती है वो क्लासरूम में करा दी जाए, यानी कि जो पहले फील्ड की जाती जाती है वो अब फील्ड में नहीं की गई है। साथ ही साथ जो बच्चे साथ साथ खड़े होते थे उनका थोड़े थोड़े एक घंटे की दूरी के साथ साथ बैठाया गया है जी। जो क्लास की जो क्वान्टिटी या कह सकते हैं जो बैठने के दायरा जो होता है वो 45 बच्चों का होता है, लेकिन अभी जो देखने को मिला है वो कम से कम देखने को मिल रहा है जी। रूबी लेकिन क्या बच्चे उत्साहित नजर आए आज, क्योंकि करीब देखिए 4 महीने बाद आज फिर से स्कूल खुले हैं यूपी में, और पिछले काफी समय से बच्चों की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि घर पे पढ़ाई में उतना मजा नहीं आ पाता, उतना अच्छे से वो पढ़ाई नहीं कर पाते जितना स्कूल में कर पाते थे। बिल्कुल, कैमरा कुछ बच्चों ने बातचीत भी करी, उन्होंने कहा भी कि बहुत मजा आया आज स्कूल हम लोग आए हैं, ऑफलाइन पढ़ाई और एक ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत फर्क होता है, यानी कि स्कूल में आकर जो पढ़ाई होती है टीचर के साथ बैठ के टीचर की जो डांट होती है वो भी एक बहुत जरूरी होती है जी। तो मजा उसको जरूर आया है आज स्कूल के जो उसके दर्शन हुए हैं, साथ ही साथ अपने फील्ड में खेल कूद भी किया, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ाई थी उसमें उनको ज्यादा मजा नहीं आया। कुछ बच्चों का तो ये भी राय था कि स्कूल अब खुल जाना चाहिए, अब हम स्कूल आना ही चाहते हैं जी। बच्चे पहले मन नहीं करता था स्कूल आने का, लेकिन अब सभी का मन हो चुका है कि आप स्कूल खुल जाना चाहिए और आप लोग अब रोज आना चाहते हैं जी। बिल्कुल रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए रूबी जिस तरह से कह रही थी कि अब बच्चों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि अब स्कूल खुल जाने चाहिए, बहुत समय हो गया है क्योंकि बीते 1.5 साल से बच्चे अपने घरों पर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ऐसे में अब एक बार फिर से हालांकि कोरोना की पहली लहर के बाद भी स्कूल खोले गए थे, लेकिन जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर से मामले सामने आए उसके बाद एक बार फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। हालांकि अब देखिए यूपी के कई जिलों से अब हमारे साथ और रिपोर्टर भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि उनके यहाँ क्या हाल है, स्कूलों में कितना कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। वहीं देखिए अगर राजधानी लखनऊ की बात कर ली जाए तो लखनऊ में छात्रों का आज फूलों से स्वागत किया गया था और फिर स्कूल में उन्हें दाखिल कराया गया था। वहीं लखनऊ में कानपुर रोड स्थित अवध स्कूल में छात्र पहुंचे तो उनका फूलों से स्वागत किया गया था। इसके अलावा शिक्षकों ने चॉकलेट देकर वेलकम भी किया बच्चों का, और ऐसे में गोरखपुर जिले में भी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। तो यानी कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का हर जगह पालन कराया जा रहा है बच्चों से, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी सामने आ जाती है कि बच्चों का किस तरह से बच्चे कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है। क्योंकि आम जनता की बात कर ले, अगर बड़े लोग ही जब लापरवाही करते हुए नजर आते हैं तो ऐसे में बच्चों का सबसे ज्यादा ये हो जाता है कि किस तरह से बच्चे कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे। हालांकि देखिए स्कूल खुलने के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है, और सभी बच्चे और कर्मचारी मास्क लगाकर ही स्कूल पहुंच रहे हैं। बेहद अच्छी तस्वीर ये कई जिलों से सामने लगातार सुबह से आ रही है कि बच्चे मास्क लगाकर ही स्कूल पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की बात कर ली जाए तो वहाँ थर्मल स्क्रीनिंग के बाद छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया गया है। तो ऐसे में स्कूल खुलने के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन लगातार कराया जा रहा है और सभी बच्चे और कर्मचारी मास्क लगाए हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं बागपत की बात कर ली जाए तो वहां भी स्कूल पहुंचे विद्यार्थियों को सैनिटाइज के बाद ही प्रवेश दिया गया। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि जब यूपी सरकार ने ये फैसला लिया था तो उसके बाद यूपी सरकार ने कहा था कि 2 पालियों में स्कूलों को इस बार खोला जाएगा। चलिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता अब्दुल सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ तस्वीर आज देखने के लिए मिल रही है अब्दुल हमीरपुर में, किस तरह से क्या बच्चे भारी संख्या में स्कूल पहुंचे? जी, मैं आपको बता दूं कि कोरोना के चलते जहां पर सरकार ने नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल खोले गए हैं वहां पे 2 पालियों में स्कूल चल रहे हैं जी, 9 से 12 और 2 से 4 जी जी। और कोरोना को देखते हुए सैनिटाइजर भी वहाँ पे मतलब अवेलेबल कराया गया है और बच्चे वहाँ पे मास्क भी लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है जी। बच्चों में कितना उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि करीब 4 महीने बाद स्कूल खुले हैं आज?
जी बच्चों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है, काफी टाइम के बाद स्कूल आने को मिला है, काफी उत्साह दिख रहा है इन पर जी। और स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं क्या बच्चे, क्योंकि देखिए कई अभिभावकों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो क्या सभी बच्चे स्कूल आए या फिर कुछ अभिभावक ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं भेजा? जी अभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है, ज्यादा भीड़ नहीं है, कुछ ही लोग यहाँ पे आए हुए हैं जी। और प्रशासन जो स्कूल प्रशासन है वो उसने अपने पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं, सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है जी। लेकिन अभी यहाँ पे उतना उत्साह बच्चों में नहीं है क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं एक डर दिख रहा है कोरोना को लेकर के उनके अभिभावक में, तो परिवार वाले इसलिए अभी थोड़ा नहीं भेज रहे हैं। बिल्कुल अब्दुल, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बच्चों को किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जाए, क्योंकि देखिए जब आम जनता ही कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करती, लापरवाही बरतते हुए नजर आती है, तो बच्चे किस तरह से करेंगे? तो क्या उन्हें बार बार जागरूक किया जा रहा है स्कूल में? जी हाँ, उनको यहाँ पे जागरूक किया जा रहा है और उनको कोरोना नियमों के सारा गाइडलाइन दी जा रही है, सारा उनको पालन कराया जा रहा है और उनको समय मतलब उनसे बोला जा रहा है कि सैनिटाइजर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, उनको जागरूक किया जा रहा है जी। चलिए अब्दुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए एक बार फिर से स्कूल खुल गए हैं यूपी में, और पहले दिन ही कम संख्या में कई जगह पर छात्र स्कूल में पहुंचे, वहीं कहीं संख्या ज्यादा भी रही, और ये देखने में आ रहा है कि कई जगहों पर छात्रों ने मास्क भी नहीं लगाया था। हालांकि बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां पर छात्र मास्क लगाकर ही स्कूल में पहुंचे, कर्मचारियों ने भी मास्क लगा रखा था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। आगरा की बात करें तो आगरा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद पहली बार कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, और ऐसे में स्कूलों में बच्चों का ताली बजाकर स्वागत किया गया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, तस्वीर सबसे अच्छी ये आ रही है कि कई जगह पर बच्चों को वेलकम ताली बजाकर किया गया, कहीं पर फूल बरसाकर बच्चों का वेलकम किया गया, कहीं पर चॉकलेट देकर बच्चों का वेलकम किया गया, तो ये बेहद ही अच्छी तस्वीरें सुबह से लगातार सामने आ रही हैं। वहीं बता दें अभी भी आधी क्षमता के साथ बच्चे स्कूल बुलाए गए हैं, और ऐसे में मास्क की अनिवार्यता जरूर की गई है और साथ ही हाथों को भी सैनिटाइज किया गया है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ अमित शर्मा आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कैसा नजारा आज आगरा के स्कूलों में देखने के लिए मिला है, क्या बच्चे पहुंचे स्कूल? आज पहले दिन बच्चों में जरूर उत्साह नजर आया है, पर बच्चों के जो अभिभावक हैं वह इस विद्यालय खुलने के बाद इसमें कोई रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं जी। आज हमने कई विद्यालयों में जाके जब पड़ताल की तो जो विद्यालय प्रशासन है उसकी तरफ से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग की भरपूर व्यवस्था की गई है। वैश्विक महामारी कोरोना के चार महीने बाद विद्यालय खुले हैं, पर छात्रों की संख्या अगर देखा जाए तो औसतन बहुत कम है जी। अमित, क्या आपकी किसी अभिभावक से बातचीत हुई कि क्या वो सहमत हैं पूरी तरह से अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए? नहीं, अभी अभिभावकों के दिल में कोरोना का डर बैठा हुआ है, लगातार अभिभावकों से बात हो रही है। प्रशासन ने भी अपील की है कि दो पालियों में ये विद्यालय संचालित किए जाएंगे, पर इसके बावजूद भी अभिभावक अभी तक अपना मन बच्चों को भेजने के लिए नहीं बना पा रहे हैं जी। बिल्कुल अमित, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए एक बार फिर से स्कूल खुल गए हैं, आगरा में भी बच्चों में काफी उत्साह देखने के लिए मिला, क्योंकि करीब 4 महीने बाद एक बार फिर से स्कूल खुले हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों में काफी उत्साह भी देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि लगातार पिछले एक डेढ़ साल से बच्चों की तरफ से शिकायत जरूर मिल रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को उतना ऑनलाइन क्लासेस में अच्छा नहीं लग रहा जितना स्कूल जाकर होता है अच्छा लगता है, क्योंकि स्कूल में और तमाम एक्टिविटीज भी बच्चों को करने के लिए मिलती है और तमाम एक्टिविटीज और क्लासेस भी बच्चों की होती हैं। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से जब कोरोना की दूसरी लहर सामने आई थी, कोरोना के मामले जब पड़े थे, तो बच्चों को फिर से घर में रहकर ही ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ी थी। लेकिन एक बार जब जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर कम हुई तो बच्चों के लिए फिर से स्कूल खोल दिए गए। हालांकि देखिए 2 अगस्त से तमाम राज्य ऐसे थे, चाहे वो उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, तमाम ऐसे राज्य थे जहां पर 2 अगस्त से ही स्कूल खुल गए थे, लेकिन यूपी सरकार ने थोड़ा समय लिया, थोड़ा फैसला किया, विचार विमर्श किया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि 15 अगस्त के अगले दिन से यानी कि 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। वहीं देखिए अगर शामली की बात कर ली जाए तो शामली को में भी आज से
स्कूल खुले हैं और इसी के साथ देखिए गाजियाबाद में भी स्कूल खुलते हुए नजर आए। तो गाजियाबाद से हमारे साथ जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद के स्कूलों की आज तस्वीर कैसी थी, क्या बच्चे पूरी संख्या में स्कूल पहुंचे? देखिए पावल, ये कहना बिल्कुल ठीक है कि कोविड काल है और इस कोविड काल में बच्चों की पढ़ाई का काफी खर्चाना हो रहा है। उसको लेकर प्रशासन ने ये नियम लागू किए हैं कि नौवीं तक के स्कूल खोले जाएंगे, सिक्स से लेकर नौवीं तक के स्कूल खोले गए हैं, जहाँ पर छात्र छात्राएं पहुंचे हैं स्कूल में, लेकिन उतनी संख्या नहीं है जितनी बच्चे पहुंचते हैं। अगर कोविड के नियमों के पालन की बात की जाए तो सबने मास्क लगाया हुआ था, स्कूल के गेट पर सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए गार्ड अवेलेबल था, जो कि स्कूल प्रबंधन है उनके द्वारा निरंतर ये जगह पर देने पर लिखा हुआ था कि सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं और अपने घर से ही खाना लेकर आए, पानी लेकर आए। तो कई ऐसे नियम लागू किए गए हैं कोविड के दौरान, क्योंकि कोविड काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। लगातार जिस तरीके से कोविड के मामले खत्म होने को हुए, इसी निरंतर यूं कह सकते हैं कि इसी क्रम में अब कोविड के मामले थोड़े रह भी गए हैं, अब ऐसा नहीं बिल्कुल समाप्त हुआ हो। कुल मिलाकर जिस तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है, स्कूल खोले गए हैं, आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके भी स्कूल जल्द ही खोल दिए जाएंगे, लेकिन कोविड गाइडलाइन का खासतौर से पालन करने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल जितेंद्र, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिये गाजियाबाद में भी बच्चों में उत्साह देखा गया और बच्चे स्कूल भी पहुंचे हैं। हालांकि बच्चे उत्साहित हैं क्योंकि चार महीने बाद बच्चों को स्कूल जाने का ये मौका मिला है और ऐसे में छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, सैनिटाइजेशन किया गया और बाद में क्लास में मास्क लगाकर ही बच्चों को बैठने की इजाजत दी गई। और पहले दिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम रही है, हालांकि क्योंकि देखिए लगातार तमाम अभिभावक ऐसे भी हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो यूपी के हों या किसी और राज्य के हों, लेकिन अभिभावकों की तरफ से कहीं ना कहीं ये जरूर कही जा रही है बात कि जब तक हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा तब तक हम स्कूल नहीं उन्हें भेजेंगे। क्योंकि देखिए घर में बच्चा जितना सुरक्षित हो सकता है अभी कोरोना को देखते हुए उतना स्कूल में नहीं हो सकता। हालांकि सरकार ने पूरी तैयारी की है, सरकार ने ये कहा है कि स्कूल खोल दिए गए हैं और स्कूलों को दो पालियों में चलाया जाएगा, एक सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और दोनों ही पालियों में 50% क्षमता के साथ बच्चे उपस्थित रहेंगे। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन भी कराया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी तमाम अभिभावक ऐसे हैं जो अभी भी पूरी तरह से सहमत नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। और ऐसे में देखिए विद्यालयों में 20-30% छात्र ही पहुंचे कई जगह पर, और कई जगह पर छात्र पूरी संख्या में भी पहुंचे हुए नजर आए। ऐसे में सहारनपुर की बात कर ली जाए तो वहां जब स्कूल खुले तो पढ़ाई जब शुरू हो गई और एक दिन पहले ही विद्यालय में सैनिटाइजेशन कराया गया था, कई जगहों पर सैनिटाइजेशन यानी कि तैयारियां देखिए स्कूल खुलने के लिए पहले से ही की जा रही थी, पहले से ही स्कूलों को सैनिटाइज किया जा रहा था, जगह जगह पर गोले बनाए जा रहे थे, बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट उसी हिसाब से किया जा रहा था कि ताकि बच्चे एक सीट छोड़कर एक बैठ सकें, ताकि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो पूरी तरह से कराई जा सके। और आज जब छात्राएं जब स्कूल खुल गए हैं तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। वहीं मेरठ से हमारे संवाददाता मनोवर चौहान जुड़ चुके हैं। मनोवर, मेरठ में किस तरह की तस्वीर आज स्कूलों में देखने के लिए मिली, क्या बच्चे कितने उत्साहित नजर आए? मनोवर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं? जी मनोवर, आज से स्कूल खुल गए यूपी में, मेरठ में किस तरह की तस्वीर थी, बच्चे कितने उत्साहित थे? देखिए जाहिर तौर पर एक लंबा समय हो गया है जब से स्कूल बंद हुए हैं, तो ऐसे में जो बच्चे थे, जो छात्र थे, वो भी कहीं ना कहीं परेशान थे, उनकी पढ़ाइयां छूट रही थी, गार्जियन परेशान थे। लेकिन जैसे ही ये खबर लगी कि शासन ने स्कूलों को खोलने का जो निर्णय वो ले लिया है, और उसको लेकर के ना केवल बच्चे उत्साहित थे बल्कि जो गार्जियन थे, परिजन थे, उनको भी काफी खुशी हुई। हालांकि बच्चे स्कूलों में पहुंचे, लेकिन कोरोना काल से पहले के जो वर्तमान जो स्थिति थी वो अब देखने को नहीं मिली है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो कोविड-19 के आने वाले जो दौर को देखते हुए मनोवर, लेकिन देखिए मनोवर, 1 सितंबर से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे 1 सितंबर से, लेकिन वो थोड़ी शायद चुनौती होगी सरकार और प्रशासन दोनों के लिए, क्योंकि देखिए 9वीं से 12वीं के बच्चे थोड़े समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें मास्क लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन शायद 6वीं से 8वीं तक के बच्चे इतना ना ध्यान दे सके, तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती है।
देखिए जाहिर तौर पर इम्यूनिटी का भी थोड़ा सा खेल होता है, क्योंकि जो जितना बड़ा बच्चा होगा इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, जितना छोटा होगा इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है। और दूसरी बात, जितना बच्चा बड़ा समझदार होगा इतना छोटा समझदार नहीं होता, तो ऐसे में ये एक चुनौती है। और जाहिर तौर पर कोविड 19 की तीसरी जो संभावित लहर है उसको लेकर के भी थोड़े गार्जियन से परेशान है, हैरान है, और इसी को लेकर के गार्जियन के जहन में दिल में थोड़ा डर है। लेकिन सबको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पढ़ाई छूट रही थी वो पढ़ाई अब पूरी होगी, और बच्चे काफी समय से घरों पर से शैतानियां जी बिल्कुल, क्योंकि मनोवर देखिए पिछले एक डेढ़ साल से भले ही क्लासेस ऑनलाइन हो रही हो लेकिन पढ़ाई उस तरह से नहीं हो रही थी जिस तरह से स्कूल में होती है। जी बिल्कुल, जो पुराना दौर रहा है कोविड 19 का, तो ऑनलाइन पढ़ाई की बातें अगर की जाए तो हो ही रहा था बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई की नहीं की, किसी के पास लैपटॉप नहीं होता, किसी के पास सेलफोन नहीं होता, किसी के पास वाईफाई नेट नहीं होता है, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर होता है ऑनलाइन पढ़ाई का, नेट भी ज्यादा चाहिए होता है, तो इस तरह की स्थिति थी। लेकिन कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, उनको पास भी किया गया है, आगे अगली क्लासों में उन्हें भेजा गया है, लेकिन जो पढ़ाई का एक पैमाना होता है वो पैमाना कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा था, क्योंकि बच्चों की आंख पर भी असर पड़ रहा था जिस तरीके से लैपटॉप और मोबाइल चला रहे थे। लेकिन अब इन सब तमाम झंझटों को दूर करते हुए शासन ने निर्णय लिया कि स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन छोटी सी बहन के अंदर बात लोगों की यही है कि संभावित तीसरी लहर के बारे में जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, कहीं अगर वो लहर आती है तो कहीं ना कहीं सबको डर रहेगा। और सब दूसरी बात ये कि स्कूलों के अंदर भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क सैनिटाइजर जो स्थिति होनी चाहिए थी कम से कम करने की कोशिश की गई है। और आज देखा यह जा रहा है कि बच्चे सड़कों पर दिखाई दिए तो काफी शहर में भी चहल पहल दिखाई दी है, ऐसा लगा कि आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो शहर में चहल पहल हुई है। जी बिल्कुल, चलिए मनोवर इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से आज यूपी में स्कूल खुल गए हैं, हालांकि कई जगह पर बच्चे स्कूल पहुंचे थे और कई जगह पर स्कूल नहीं पहुंचे बच्चे, भारी संख्या में स्कूल में खाली सीटें भी नजर आई, क्योंकि तमाम अभिभावक ऐसे भी हैं अभी भी जो पूरी तरह से सहमत नहीं है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।